अस्सलाम वालेकुम। गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम लोग जब भी पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक इंडेक्सिंग और एक नॉट इंडेक्सिंग। अब नॉट इंडेक्सिंग के अंदर हमारे पास नीचे बहुत सारे रीज़न इधर देखने को मिलती हैं। डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल मिलता है, अल्टरनेट पेज विदाउट प्रॉपर कैनोनिकल टैग मिलता है, नॉट फाउंड पेज विद रीडायरेक्ट, इस किस्म के तकरीबन हमें 7-8 एरर देखने को मिलते हैं। सॉरी, इस चीज को एरर नहीं कहना चाहिए। अब होता यह है कि गूगल सर्च कंसोल की तरफ से कुछ चीजें होती हैं जो एरर आते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो वार्निंग होती है, और उसमें से कुछ चीजें ये होती हैं जो जस्ट मैसेज होती हैं, वो बिल्कुल एरर नहीं होती और उनको हम लोगों ने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं होता। अब आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पेज विथ रीडायरेक्ट एरर। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है, मेरा एक थोड़ा सा इस चीज का मेथड है कि मैं चीजों को सॉल्व करने से पहले इस चीज की तरफ जाता हूं कि आप लोग पहले उसकी रीजन फाइंड करें, उसकी कारण आपको वजह मालूम हो कि वो वाला एरर आया क्यों है, उसके बाद देन हम लोग उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब रीडायरेक्ट पेज वाला जो एरर है ना, मैं आपको बताता हूं वो आता क्यों है। इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली नॉट फाउंड 404 से है। तकरीबन ये दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, लेकिन नॉट फाउंड 404 जो है वो एरर है, वो सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन पेज विद रीडायरेक्ट जो है ये एरर नहीं है, ये जस्ट एक मैसेज है। अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। जब हम लोग अपने वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वहां पर आर्टिकल डाला व्हाट इज ब्लॉगर, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर P1 लिख रहा हूँ कि पेज वन है हमारे ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारा आर्टिकल। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ P1 के अंदर, मैंने कुछ चेंजेस करनी है, जो आर्टिकल मैंने डाला हुआ है मैं उसको एडिट कर देता हूँ, या फिर कुछ दिनों बाद मुझे ये ख्याल आता है कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट करने की सूरत में या एडिट करने की सूरत में नॉट फाउंड 404 जो है वो एरर हमें आ जाता है। जब हम लोग इसको एडिट करते हैं तो उसके जो URL होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब चेंज होता है, लेकिन पहले वाला जो URL होता है वो ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है, जब कोई वेबसाइट पे आता है वो उस URL पे क्लिक करता है, लेकिन क्योंकि URL तो चेंज हो चुका है एडिट करने की वजह से, तो तब हमें क्या आता है, नॉट फाउंड 404 का एरर आ जाता है। या दूसरी रीजन ये होती है कि हम क्या करते हैं कि हम लोग P1 फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया, ये वाला आर्टिकल ही डिलीट कर दिया है, लेकिन वो गूगल ने ऑलरेडी इंडेक्स कर रखा है। अब जब ऑलरेडी इंडेक्स हो चुका है तो उसके बाद क्या होता है कि कोई भी यूजर उस पर सिलेक्ट करेगा तो भी आप लोगों को नॉट फाउंड 404 जो है ये वाला एरर देखने को मिलेगा आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर। अब नॉट फाउंड 404 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमें जो मिलता है वो होता है हमारा पेज विद रीडायरेक्ट, ठीक है, वो हमें मिलता है पेज विद रीडायरेक्ट एरर। अब ये एरर नहीं है, ये एक मैसेज है। अब नॉट फाउंड 404 को जब हम लोगों ने सॉल्व करना होता है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हम लोगों ने अपने URL डिलीट कर दिया है, ये चेंज कर दिया है, लेकिन जो पहले वाला URL इंडेक्स हो चुका है, अब हम क्या करते हैं कि उस URL में एक और URL लगा देते हैं, ताकि कोई उस पर क्लिक करे तो उसको नॉट फाउंड 404 का एरर ना मिले, हमारी वेबसाइट की एफिशिएंसी या इमेज ना खराब हो, तो वो किसी और इमेज पर, वो किसी और साइट पर या किसी और URL पर उसको लेके चला जाता है, नॉट फाउंड 404 एरर जो है वो खत्म हो जाता है। जब वो होता है तो उसको बोलते हैं पेज विद रीडायरेक्ट। अब पेज विद रीडायरेक्ट के अंदर जितने भी आपके इफेक्टेड पेजेस आ रहे होते हैं, चाहे 20, 25, 50, 100 जितने भी आ रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से आते हैं जो हम लोग नॉट फाउंड 404 वाला एरर जब सॉल्व करते हैं, या हम लोग अपने URL के अंदर, हम लोग इस तरह, एक और रीजन भी होती है पेज विद रीडायरेक्ट एरर आने की, हम लोगों ने कोई आर्टिकल अपनी वेबसाइट के अंदर डाला हुआ है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल लिंकिंग करते हैं, कोई और एक दो लिंक उसके अंदर लगा देते हैं जब इंटरनल लिंकिंग करते हैं, तो इंटरनल लिंकिंग की वजह से भी पेज विद रीडायरेक्ट आ जाता है। ये नॉट इंडेक्सिंग में आता है, लेकिन ये एरर बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट एक गूगल सर्च कंसोल की तरफ से हमें एक मैसेज दिया जाता है कि आपके जो ये वाले पेजेस हैं ये पेज विद रीडायरेक्ट में आ रहे हैं। सो इनको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोगों ने नॉट फाउंड 404 को सॉल्व करना होता है। इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, नॉट फाउंड 404 इसको सॉल्व करना है, ये एरर है। लेकिन पेज विद रीडायरेक्ट जो है ये एरर नहीं है, ये जस्ट एक मैसेज है, इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। ये नॉट फाउंड 404 एरर को सॉल्व करने की वजह से ही हमारी वेबसाइट के ऊपर वो वाले पेजेस, पेज विद रीडायरेक्ट वाला जो कॉलम है नॉट इंडेक्सिंग वाला, उसके अंदर मूव हो जाते हैं।
तो नॉट इंडेक्सिंग में इस तरह के और भी कुछ बहुत सारे आती हैं चीजें जिनको हम लोग एरर नहीं कह सकते, वो जस्ट मैसेज होती हैं, जिनमें से एक अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के अपलोड की है कि वो वाला भी एक मैसेज है, उसको हम लोग एरर नहीं कह सकते, ठीक है। उसका भी यही सीन होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो यूआरएल है, जो हमारा मेन आर्टिकल है, उसके आगे एक दो और यूआरएल जब बन जाते हैं तो गूगल ने एक ही को इंडेक्स करना होता है, जो बाकी दो होते हैं वो पेज वो अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग बन जाता है, सो वो भी एरर बिल्कुल नहीं होता। सो आप लोग बस एक चीज को, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई बातें तो माइंड में बस इतना सा बिठा लीजिए कि पेज विद रीडायरेक्ट को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, इससे आप लोगों की वेबसाइट पे कोई इशू नहीं आ सकता, कोई एफिशिएंसी स्पीड इससे नहीं आप लोगों की कम हो सकती, ना ही एडसेंस की अप्रूवल पे इस वजह से कोई फर्क पड़ने वाला है। आप लोगों ने सॉल्व करना है तो सिर्फ ये वाला एरर सॉल्व करना है, इसको आप लोगों ने आपकी वेबसाइट पे जितने भी अफेक्टेड पेजेस आ रहे हैं आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना। हाँ, अगर ऑटोमेटेड जनरेटेड कुछ पेजेस इसके अंदर आ रहे हैं जो पेज विद रीडायरेक्ट हमने खुद नहीं किए, तो वो वाले आप लोग बेशक रिमूव कर लें। आप लोग गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको रिमूवल का ऑप्शन मिलता है, उसमें जाके अपना यूआरएल पुट करें और वहां पे जाके इसको रिमूव कर लें, अदरवाइज पेज विद रीडायरेक्ट जो है इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।